इतनी डस्ट ये डस्ट कहां से आई? अच्छा, तो ये रॉक्स की वजह से है। पता है, जब भी मैंने पहले ऐसी डस्ट को फेस किया है ना, मैंने हमेशा ये सोचा है कि आखिर ये रॉक्स अर्थ पर है ही क्यों, इनका यूज क्या है, ये तो हमारे काम ही नहीं आती। लेकिन फिर मैंने रिसर्च की और मुझे ये पता चला दोस्तों कि अगर आज हम सब अर्थ पर सरवाइव कर पा रहे हैं तो उसके पीछे इन रॉक्स का बहुत बड़ा योगदान है। अजीब बात है ना, इसलिए आइए पता लगाते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट ने हमें बताया है कि अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जो ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है, क्योंकि अर्थ पर वो सभी चीजें अवेलेबल हैं जो एक ह्यूमन को सर्वाइव करने के लिए चाहिए। आप एक काम करो, आप अर्थ से अभी के लिए अपना फोकस हटाइए और इंडिया पर ध्यान दीजिए। हम सब दोस्तों इंडिया में रहते हैं और इंडिया में रहते हुए ही हम अपनी सभी नीड्स को पूरा कर पाते हैं। हमारे पास पानी भी है, फूड भी है और मिनरल्स भी हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ये सब चीजें कहाँ से आती हैं? इंडिया में रहते हुए हमें कहाँ से मिलती हैं? पता है, हमारी हर नीड फिजिकल फीचर्स से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। जैसे कि माउंटेन्स को फॉरेस्ट और वाटर का सबसे मेजर सोर्स कहा जाता है। प्लेटोज को मिनरल्स का सोर्स कहते हैं। हम ये रियलाइज नहीं करते स्टूडेंट्स, लेकिन हमारी हर नीड फिजिकल फीचर्स की मदद से ही पूरी होती है, और यही डिटेल में हम जियोग्राफी के इस चैप्टर से समझेंगे। पता है स्टूडेंट्स, ये सारे फिजिकल फीचर्स कहीं ना कहीं रॉक्स की वजह से ही फॉर्म हुए हैं। हाँ, वो अलग बात है कि कई मिलियन ईयर्स तक इन रॉक्स के साथ कुछ जियोलॉजिकल प्रोसेसेस हुए और तब जाकर ये फिजिकल फीचर्स फॉर्म हुए, लेकिन कहीं ना कहीं फिजिकल फीचर्स के फॉर्म होने के पीछे रॉक्स का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। जियोग्राफी का फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का ये चैप्टर हमें बहुत सी बातें बताएगा। हमें ये पता चलेगा कि आखिर इंडिया में किस किस टाइप के फिजिकल फीचर्स अवेलेबल हैं, आखिर हर फिजिकल फीचर की खास बात क्या है और ये सब फॉर्म कैसे हुए हैं। तो आइए बिना कोई देरी किए हम ये जानते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर को हम टोटल 10 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे। फ्रेंड्स, ये फर्स्ट लेक्चर है जो कि इंट्रोडक्टरी है। सेकेंड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये फिजिकल फीचर्स फॉर्म कैसे हुए हैं। थर्ड लेक्चर होगा इंडिया के मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में। फोर्थ लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हिमालयन माउंटेन्स के बारे में, जिससे हमें हिमालयन माउंटेन से रिलेटेड कुछ खास बातें पता चलेंगी। फिफ्थ लेक्चर में हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे हम ये पता करेंगे कि आखिर नॉर्दर्न प्लेन्स में एग्रीकल्चर सिंपल क्यों है। सिक्स्थ लेक्चर होगा पेनिनसुलर प्लेटो से रिलेटेड। इसमें हमें ये पता चलेगा कि आखिर पेनिनसुलर प्लेटो बाकी फिजियोग्राफिक डिविजन से कैसे अलग है। सेवेंथ लेक्चर होगा दोस्तों इंडियन डेजर्ट के बारे में, जिसमें हम ये पता लगाएंगे कि आखिर इंडियन डेजर्ट को सैंडी प्लेन्स क्यों कहते हैं। एट्थ लेक्चर में हम लोग कोस्टल प्लेन्स का टॉपिक कवर करेंगे। इसमें हम पहले तो कोस्टल प्लेन्स को इंडिया के मैप में लोकेट करेंगे और फिर पता लगाएंगे कि आखिर इस फिजियोग्राफिक डिविजन की खास बात क्या है। नाइन्थ लेक्चर में हम लोग आइलैंड्स के बारे में बात करेंगे और ये समझेंगे कि आखिर इंडिया के जो दो आइलैंड ग्रुप्स हैं उनकी मेजर पॉइंट्स क्या हैं। स्टूडेंट्स, टेंथ लेक्चर होगा रिविजन लेक्चर, जिसमें मैं आपको ये पूरा चैप्टर एक बारी शॉर्ट में रिवाइज करवाऊंगी ताकि आपके मन में किसी भी टाइप का डाउट ना रहे। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीरीज, लेट्स बिगिन द जर्नी। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैम्पल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।